Okay, so chapter number fourteen. Um, the chapter name is river systems and landforms. So, from this chapter, we will be mainly discussing um, erosion, erosion or deposition. Specially, in chapters, may discussion is and you see these. दिस पिक्चर शोज डेल्टा डेल्टा वो पार्ट होता है जब एक रिवर एक uh, सी से जाके मिले यानी एंड ऑफ अ रिवर सो दैट्स डेल्टा समवेयर इन द अटलांटिकोशन राइट एंड राइट So, there are some key concepts. There's a word, hydrology. So, yeah, we are studying water. So, the study of water and uh, the distribution of water, the properties of water, and how water is moving around the globe that. स्टडीज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजी इसको सिंपल वर्ड्स में कहते हैं द साइंस ऑफ वाटर पानी का स्टडी ओके सो विच काइंड ऑफ साइंस सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टीज एंड ऑफ कोर्स इट ऑल्सो डील्स विद द वाटर विच इज़ प्रेजेंट अंडर द सर्फिस दैट इज हाइड्रोलॉजी Then um, there's another terminology which is used mostly whenever that uh, we talk about rivers, flowing water. So the term is fluvial. Rivers related processes, ke liye fluvial ka term used. For example, fluvial landform, fluvial processes, fluvial deposition, fluvial erosion. ओके okay, um, देन दूसरी टर्मिनोलॉजी है स्ट्री, स्ट्रीम की स्ट्रीम इज एनी फ्लोइंग वाटर लाइक कोई भी पानी की धार जो बह रही हो दैट इज अ स्ट्रीम और अगर उसकी विट ज्यादा हो उसका साइज ज्यादा हो तो उसको रिवर कहते हैं सो स्ट्रीम इज द जनरल टर्म एंड रिवर इज द वर्ड फॉर बिगर स्ट्रीम Lava, we can have smaller streams, narrow streams, shallow streams. So these types vary. Okay, then. Fine. So what we are going to study in this chapter. We will study about the base level drainage basins, drainage density, and drainage patterns. Uh, then we will talk about stream discharge and the work performed by flowing water. um, and that work includes erosion and transport. Rocks को तोड़ के अपने साथ ले जाना और फिर दूसरी जगह पहुँचाना Then uh, deposition, uh, then flood plains. These are some of the main topics which we will discuss. All right. Um, I think no other things are left. Okay, हाँ यही चीज़ें हैं मेन इस चैप्टर के अंदर

और टू स्टडी एनी एनी स्ट्रीम वी वी स्टडी द वी मस्ट नो द डिस्चार्ज ऑफ दैट स्ट्रीम और डिस्चार्ज क्या चीज़ है इसको हम स्ट्रीम डिस्चार्ज भी कहते हैं इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट एट अ गिवन टाइम वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग from a specific point at a given time एक खास वक्त पे एक खास जगह से कितना पानी गुजर रहा है उसे हम stream discharge कहते हैं और discharge के according अगर हम देखें तो Amazon river of South America is the largest river followed by the Congo river and the Yangtze river of China these are the top थ्री लार्जेस्ट रिवर रिवर की दो कैटेगरीज होती हैं एक कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ रिवर और कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज या सिंपली हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग तो दो वर्ड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सो लार्जेस्ट रिवर इज एमेजॉन बट इट इज़ नॉट द लॉन्गेस्ट वन दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है रिवर नाइल के सो यहाँ जो तीन रिवर्स हैं, दीज आर अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज और द वॉल्यूम ऑफ़ वाटर, अमेजोन फॉलोड बाई कॉन्गो रिवर ऑफ अफ्रीका एंड देन यंगजी रिवर ऑफ चाइना जिसका दूसरा नाम चैंग चंग है फिफ्थ वन इज और दैट्स इन साउथ अमेरिका यहाँ पर एक टेबल गिवन है रिवर्स के डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग सो You see, these are some of the big ones. Or, yeah, so here you see rank by length. Amazon is the second longest, and the longest is Nile, the last one. So, These are some of the famous uh, rivers. Then, what are the factors? अच्छा यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो था ये डिस्चार्ज का था इसके अलावा हमने कुछ फेमस रिवर्स के नाम देखे इन इन योर नेक्स्ट लैब यू विल हैव टू mark some of the famous rivers i'll provide you the list okay another main concept is that insulation and gravity are the driving forces of fluvial system and दे पावर द हाइड्रोलॉजिक साइकिल सूरज की रोशनी इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन और ग्रेविटी ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल रन करता है और यही दो चीज़ें हैं जिस जिनकी वजह से फ्लूवियल सिस्टम चलता है यानी रिवर एक पॉइंट से स्टार्ट होता है रिवर स्टार्ट फ्राम हाई एलिवेशन एरिया लाइक अ माउंटेन और प्लेटो और एनी हिल एंड देन इट फ्लोस थ्रू वेरिंग एलिवेशन और हमेशा रिवर सिस्टम या फ्लुवियल सिस्टम हाईएस्ट एलिवेशन से लोवेस्ट एलिवेशन की तरफ मूव करेगा एंड अल्टीमेट लोवेस्ट एलिवेशन इज द कोस्ट एरिया तो हर दुनिया का हर रिवर किसी ना किसी कोस्ट पे जाके ख़त्म होता है Alright, so insulation and gravity are the two main driving forces of fluvial systems. just the driving forces of wind. last time. So here are driving forces of fluvial system. Okay, then uh, fluvial erosion. When the surface material is removed by the river by the flowing water. दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लूवियल इरोजन दैन जब सर्फेस मटीरियल को कोई भी रवर रिमूव कर रहा है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है ट्रांसपोर्टेशन का ओके सो वाटर में सर्फेस uh, रॉक्स में वैदरिंग हुई उसके टाइप्स आप पड़ चुके हैं उस वैदरिंग के बाद उसका नेचर ये होता है कि ब्रोकन रॉक्स वहीं रह जाएँ लेकिन ब्रोकन रॉक्स उस जगह पे नहीं रहती कुछ कोई ना कोई एजेंट आता है और उस ब्रोकन रॉक को वहाँ से रिमूव करता है या तो वो मास वेस्टिंग होती है या फिर वो इरोजन होता है सो हियर इफ़ द ब्रोकन मटेरियल इफ द रॉक्स आर रिमूव्ड बाय द रिवर देन इट्स फ्लूवियल इरोजन और जाहिर है जब इरोड कर लिया वहाँ से रिमूव कर लिया तो अब वो अपने साथ उसको करेगा ट्रांसफर सो दैट इज ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन के बाद देयर वेलकम टाइम जब वो उस मटीरियल को कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगा मटीरियल ट्रांसपोर्ट द मटीरियल एंडली रिवरटट द मटीरियल इट हैज़ रोडडो द मटीरियल इज डिजिट तो ये तीन प्रोसेस uh, एक सिस्टम के अंदर होते हैं रिगार्डिंग द रॉक पार्टिकल्स रिगार्डिंग द वेदर्ड पार्टिकल या मटेरियल ऑफ सरफेस रोज़न ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन यू हैव स्टडी द कैटेगरीज ऑफ रॉक्स के किस टाइप के रॉक्स हैं हमारे पास ऑन द बेस ऑफ देयर ग्रेन साइज तो रिवर जनरली छोटे ग्रेन साइज को ट्रांसपोर्ट करता है छोटे ग्रेन साइज को इोड करता है इट टेक्स बिगर वंस एज वेल बट द स्मॉलर पार्टिकल्स इन लार्जर अमाउंट सो जब वो उस मटीरियल को ब्रोकन रॉक्स को वेदर्ड रॉक्स को ट्रेवल ट्रांसपोर्ट करके डिपॉजिट जब करता है तो वो एक स्पेशल फीचर बनाता है एंड दैट स्पेशल फीचर इज कॉल्ड एज एलोवियम द मटीरियल डिपॉजिटेड बाय अ रिवर और ये बहुत फर्टाइल मटीरियल होता है रिवर प्लेन की स्पेशल क्वालिटी uh, इसमें पाई जाती है ओके okay, सो so, these are uh, some of the basic concepts regarding fluvial process now there's another terminology which is called as base level base level of a river इसको सिंपल वर्डिंग्स में आप कह सकते हैं कि ये रिवर का लोएस्ट पॉइंट है द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ रिवर दरिया की तह जिसको कहते हैं ये बेस लेवल है और टेक्निकल इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द लेवल बिलो विच स्ट्रीम कैन नॉट इरोड इट्स वैली ऐसा लेवल जिसके बाद सरफेस स्टेबल हो जाती है सरफेस या रॉक्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं और वो मज़ीद इरोड नहीं होते रिवर में इतनी पावर नहीं होती कि वो एक ख़ास लेवल के बाद मटेरियल को इरोड करें सो दैट लेवल इज़ कॉल्ड एज द बेस लेवल ऑफ अ रिवर और यहाँ एक और टर्मिनोलॉजी है अल्टीमेट बेस लेवल और वो क्या है सी लेवल ऑफकोर्स सी लेवल के बाद um, ज़ीरो की एलिवेशन के बाद आप एक रिवर टेक्निकली उसको इरोड नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाद सी समंदर स्टार्ट हो जाता है ओके okay, दरिया की तय उसका बेस लेवल है और ये टेक्निकली क्या है द द दोवेस्ट पॉइंट बिलो विच स्ट्रीम कैन नॉट इरोड या जाहिर है जब स्ट्रीम इरोड नहीं कर पा रही क्यों नहीं कर पा रही क्योंकि रॉक्स वहाँ पे रेजिस्टेंट हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी वहाँ पे इरोजन या वेदरिंग नहीं होगी राइट सो हियर दे आर गिविंग सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ बेस लेवल ओके यहाँ पर एक आर्टिफिशल बेस लेवल बनाया है जिसको हम कहते हैं डैम और बाकी बेस लेवल यहाँ पर वहीफ यू सी द पॉइंटर देयर

all right so there are some of the features of our drainage basin so firstly we need to understand what a drainage basin is so drainage basin is the area which has a specific रिवर सिस्टम एन एरिया विच हैज़ अस्पेसिफिक रिवर सिस्टम और ड्रेनेज बेसन इज़ एन एरिया विच रिसीव वाटर फ्राम अस्पेसिफिक रिवर सिस्टम दुनिया में कोई भी रिवर मेजर रिवर ट्रिब्यूटरीज के बगैर नहीं है हर रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं ट्रिब्यूटरीज कहते हैं ब्रांचेस ऑफ अ रिवर लाइक यहाँ पर आपको एक स्केच नजर आ रहा है दिस इज दिन शेड में बना हुआ है दिस इज द मेन रिवर और फिर ये ट्री लाइक ए स्ट्रक्चर इसकी जो ब्रांचेज है ये ब्रांचेज इसकी ट्रिब्यूटरीज है वर्ड ट्रिब्यूटरी

ड्रेनेज बेसन के लोएस्ट एलिवेशन में मिलेगा द मेन रिवर इज ऑलवेज फाउंड एट द लोएस्ट एलिवेशन इन अ ड्रेनेज बेसन और ड्रेनेज बेसन में एक वर्ड है बेसन द टर्म बेसन रिजेंबल्स आर वॉश बेसन जिसकी क्या प्रॉपर्टी होती है द एजेस हैव द हाइएस्ट एलिवेशन एंड द सेंटर पॉइंट हैज़ द लोएस्ट एलिवेशन यही प्रॉपर्टी एक रिवर बेसन की भी है कि द दे ड्रेनेज बाउंड्रीज ड्रेनेज बेसन की बाउंड्री जो होगी दैट बाउंड्री ऑफ ड्रेनेज बेसन विल ऑलवेज हैव है हाइएस्ट एलिवेशन ठीक एंड द बाउंड्री ऑफ द ड्रेनेज बेसन इज कॉल्ड एज ड्रेनेज डिवाइड सो दिस पिक्चर फोर्टीन पॉइंट फोर इसमें

लोवेस्ट एलिवेशन पे मौजूद होगा वैन द रिवर इज गेटिंग वाटर फ्रॉम ऑल द कैचमेंट एरिया कैचमेंट एरिया क्या चीज है ये पूरा रीजन दिस पॉइंट दिस होल रीजन विच इज़ इन साइड द ड्रेनेज बेसन इस पूरे एरिया को हम कहते हैं कैचमेंट एरिया कैचमेंट एरिया का जितना भी पानी होता है सारा पानी फ्लो करता हुआ कहाँ जाता है मेन रिवर के अंदर दैट्स वाई द मेन रिवर हैज़ द हाइसट अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज द वाटर फ्राम एवरीवेयर इन अ ड्रेनेज बेसन कलेक्ट्स इन द रिवर जो रिसेंटली हमारे यहाँ नया नाजमबाद में जो पानी आ गया था दैट वॉज ड्यू टू द रीज़न ड्यू टू द फैक्ट कि नया नाजमाबाद लाइज इन द लोस्ट एलिवेशन और जो कि एक लेक की साइड थी तो उस वजह से ऑल द वाटर फ्राम द मंगोपीर हिल्स जो कटी पहाड़ी का जो एरिया था वहाँ पर जितना भी बारिश का पानी आया था और एवरी वाटर जस्ट वेंट एंड कलेक्टेड इन साइड द नया नाजमाबाद बिल्कुल यही प्रोसेस हमने ये प्रोसेस देखा था तेज़ बारिशों में लेकिन ये प्रोसेस एक ड्रेनेज बेसन के अंदर या उसके कैचमेंट एरिया के अंदर ये प्रोसेस बेसिस पे होता रहता है कि पानी आ, या तो आ, शबनम की फॉर्म में या ड्यू की फॉर्म में या हल्की फुल्की बारिशों की फॉर्म में जब छोटी मोटी स्ट्रीम्स में या डिस या ट्रिब्यूटरीज में एक दरिया की ब्रांचेज में वो सब कलेक्ट होती हैं तो अल्टीमेटली ऑल द वाटर गेट्स कलेक्टेड इन द मेन रिवर ओके सो किस तरह से ये पानी बहता हुआ मेन uh, रिवर में जाता है सो so, दो तरीके से फर्स्ट इज द शीट फ्लो या ओवरलैंड फ्लो सो व्हेन द वाटर हम हम इसी एग्जांपल ले लेते ले हैं बारिश से ठीक है व्हेन इट इज रेनिंग और बारिश का पानी एक हिल पे हम हेल इसलिए कह रहे हैं कि वी आर टॉकिंग करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज डिवाइड सो इन द ड्रेनेज डिवाइड बारिश का पानी उसमें गिरा और फिर वो नीचे की तरफ नशेब की तरफ टूअर्स द लोअर एलिवेशन इट विल फ्लो और उसके इनिशियली वो क्योंकि सरफेस पे गिरा है तो वो सरफेस पे ही बहता है जिस तरह से आप अगर ज़मीन पे पानी का ग्लास गिरा दें तो वो पानी एक एक डायरेक्शन में बह रहा होता है या डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होता है तो वो जो वाटर uh, का एक बड़, बड़ा फ्लोइंग uh, पैटर्न uh, है ब्रॉड फ्लोइंग वाटर ऑन द सर्फिस थिन लाइक अ शीट दैट फ्लो इज कॉल्ड एज शीट फ्लो या उसका दूसरा नाम है ओवर फ्लो इसके अलावा वाटर फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ टाइनी लिटिल स्ट्रीम्स बहुत पतली पतली धारियों की सूरत में जब पानी बहे तो वो फिर uh, रिल्स कहलाती हैं tiny little streams of flowing water that is rill and when the rills get broader then it's gully so three things at uh, the drainage divide pehla sheet flow followed by the rills when the water is flowing in very thin streams और थोड़े टाइम के बाद वो रिल्स थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती हैं बड़ी हो जाती हैं तो फिर हम उनको कहते हैं गलीज फिर ये गलीज़ मर्द मज़ीद ब्रॉड होती हैं तो वो टाइनी स्ट्रीम बनाती हैं और फिर टाइनी स्ट्रीम बनाती हैं ट्रिब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी के बाद मेन रिवर हेयर यू सी दिस इज़ वट आई वॉज़ टॉकिंग अबाउट ये यहाँ पर दो रिवर बेसन हैं एक ये वाला और दूसरा ये है और दोनों के बीच का जो बॉर्डर है दैट हैज द दाइएस्ट एलिवेशन एंड यू सी दिस इज द मेन रिवर इन द लोएस्ट एलिवेशन ये पूरा एरिया दिस होल एरिया इज द ड्रेनेज बेसन और यहाँ आप देखें ये ऊपर पे ऊपर जब सरफेस पे फ्लो कर रहा है तो शीट फ्लो और जब उसकी एक स्ट्रीम लाइक फॉर्मेशन आने लग जाती हैं तो दैट इज रिल एंड गली रेल और गली में बस यही डिफरेंस है कि आप यही समझ लें रेल्स आर थिनर एंड ब्रॉडर। ओके, सो ये ड्रेनेज बेसन के कुछ मेन कॉन्सेप्ट थे लेट मी सी इफ देर आर। ओके सो वी हैव कवर्ड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेनेज बेसन And we will continue this topic in our next class.